नमस्कार साथियों, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं जयपुर टाउन प्लानिंग कमेटी सदस्य रेड़ी पट्टी प्रधान। मैं अपने साथ जो आप बीती जो घटना है उस घटना के अंतर्गत आप लोगों को रहना चाहूँगा मैं। यह मेरी घटना है 7/3/2023 की। 7/3/2023 मार्च का महीना था और MCD आती है और एक बैग आने के बाद मेरी रेड़ी उठा ले जाते हैं। उठाने के बाद दूसरे दिन मैं पहुँचता हूँ फिर रेड़ी छुड़वाने के लिए। मैं वहाँ जब पहुँचा तो मैंने बोला जी मेरी रेड़ी आई है, मेरी रेड़ी दी जाए। उन्होंने बोला जी आपको जुर्माना लगेगा। उन्होंने जुर्माना बनाया 4,000 रुपये। मैं बोला सर 4,000 रुपये की तो रेड़ी थी नहीं, 4,000 रुपये कैसे दे पाऊँगा मैं। फिर मैं वहाँ से वापस आ गया। मैं अपने बंदों से कॉन्टेक्ट करना चाहते भाई मेरी रेड़ी ऐसी ऐसी उठ गई है, उसको कैसे किया जाए। तो एक जीप का ऐप के विषय में मुझे पता चला। वो जीप का ऐप के माध्यम से मैंने संपर्क में किया। संपर्क करने में जीप का ऐप वाले आए मेरे पास, उन्होंने सारी बातें सुनी। सुनने के बाद में फाइल तैयार करी गई और वो हाई कोर्ट में पेश किया गया। हाई कोर्ट के ऑर्डर हुए कि आप रेड़ी छुड़वा सकते हो। मैं फिर गया हाई कोर्ट से ऑर्डर लेकर जोन में। मैं बोला जी रेड़ी दी जाए। तो फिर वही वार्तालाप होने लगी कि आप ऐसा करो कि पैसे दो। मैं बोला सर पैसे तो हमारे पास आए नहीं, मैं काम करने कमेटी का सदस्य हूँ, पैसे कैसे दे सकता हूँ। तो उन्होंने बोला पैसे लगेंगे। तो मैंने बोला मैं नहीं दे रहा, कहने जुर्माना लगाएंगे। मैं बोला ठीक है सर आप जुर्माना लगा दीजिए। मैंने पहले भी अपने जोन के अंदर में मीटिंग होती थी रेड़ी पट्टी के माध्यम से, तो मैं DC साहब को अवगत करवाता रहता था कि सर ये जो रेड़ियाँ जो है आप देख रहे हैं कि 4,000, 5,000 और जितने की रेड़ी नहीं होती थी उससे ज़्यादा वो फाइल चार्ज लगा देते थे कि इतने पैसे लगेंगे। तो मैं उसके ऊपर कहता सर गरीब आदमी कहाँ दे पाएंगे। ये लोग आज भी देखे स्टोरों के अंदर में जो सामान है अगर इतने कबाड़ की तरफ पड़े होते हैं कि जो कोई गले हुए हैं और बेचारे रेड़ी पटरी वाले मजबूरन कहीं ना कहीं से फिर दोबारा खरीद लेते हैं सस्ते सुविस्ते में, क्यों जाए वो अपना 4,000-10,000 रुपये किराया देने के लिए। तो जीविका ऐप ने मुझे वकील जो है अपने तरफ से मुझे वकील मुहैया कराई गई और जो मुझे निःशुल्क मुझे वकील मिले, वकीलों ने अपना केस दायर किया और उसके बाद मुझे रेड़ियाँ मिल गई है। तो मैं अपने जीविका ऐप को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो जीविका ऐप से जुड़े और जो भी परेशानी है जीविका ऐप के साथ वो साझा करें। एक परिवार की तरह ये जीविका ऐप जो रेड़ी पटरी पर काम कर रही है। धन्यवाद।